का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अज असी आप जी की मुलाकात सिंह साहब जथेदार अकाल तख्त साहब जी ने करवा रहे हाँ, जो कि ढड्डियां वाले महापुरखों पर कोई सिंह इल्जाम लगा रहा है कि वो करैक्टरलैस ने, उन्होंने सिंह मेरे बाल कटवाए ने, उस बारे असी सिंह साहब जी को उन्होंने विचार सुनते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसिया बहुत सारिया एजेंसियां होंदिया ने जिहड़ियां किसी ना किसी बंदे नूं खरीद के गुरमत दे प्रचार ते प्रसार दे विच वाधा खड़ा करदियां ने। संत रणजीत सिंह ढड्डियां वाले जो आल वर्ल्ड दे विच बहुत ही सत्कारित ने और संगतां उन्हां दे दीवान सुनने वास्ते बाणी सरवण करन वास्ते कई कई कोहां तों चल के पहुँचते ने। दास भी कई दीवाना विच उन्हां दे पास उन्हां दे नाल दीवाना की सांझ की है, उन्होंने अस्थान पर भी गया हाँ और ऐसी कोई भी नज़र उन्होंने गल नहीं आती, क्योंकि जे कोई ऐसी गल सी तो उन्होंने पहलों संगतां के सामने लिया तो पहलों श्री अकाल तख्त साहब नी शिकायत करनी चाहिए सी। अकाल तख्त साहब वो पड़ताल करके जो भी मर्यादा के अनुसार वो गल करते, पर इन्होंने सिखी को बदनाम करने वास्ते संतां नू बदनाम करने वास्ते ऐसा किया है। ये किसी साजिश का शिकार होए ने, इस करके जो पहलों इन्ने समय तो उन्होंने नाल रहा है उदों संत चंगे सी, हुण उह संत माड़े हो गए। इस करके गल बिल्कुल स्पष्ट है कि इस किसी के कहे कहाए किसी के खरीदे हुए गल कर रहे हैं। संतां दे विच ऐसी कोई किसी प्रकार की कोई घटना नज़र नहीं आई अजे तक। जे कोई उहदे कोल सबूत है तो सबूत सामने पेश करे, जे उहदे कोल सबूत नहीं तो उहदे भी कार्रवाई की जाएगी। आप संगतां नूं बाहरलियां संगतां नूं भी की उन्हां नूं की बेनती करना चाहोगे जी? संगतां नूं यही मैं कहना चाहवांगा कि किसी तरह भी संगतां गुमराह ना होण। जो संतां दे उत्ते इल्जाम लगा रहा उन्हां नूं कहो भी वह अपने सबूत देन, जे वह सबूत देंदा फिर संतां दे उत्ते जो भी कार्रवाई कर की जा सकती वध तो वध की जाए। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद।